तो आज पढ़ेंगे सर्किल का वो कॉन्सेप्ट जिसने धूम मचा देनी है, और ये धूम ऐसे मचाएगी कि रेलवे ग्रुप डी में आने वाले जितने भी सर्किल के सवाल हो चुके, तो जो सिंपल सर्किल के कॉन्सेप्ट पर आते हैं उस सवाल को हम लोग देखेंगे, और देखिएगा आप 2 से 5 सेकंड के अंतराल में सवालों को कैसे हवा में उड़ाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, सर्किल के इस कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। और देखिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया है गुजली कॉन्सेप्ट। क्या है इस कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल, इसको आप समझिए एक बार और देखिए फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसा सभी लोग समझते हो कि अगर मैं किसी वृत्त की बात करता हूं सर्किल की, नॉर्मल सर्किल की, जिसकी त्रिज्या होती है स्मॉल r, रेडियस स्मॉल r है, तो इसका जो परिमाप बनता है वो क्या बनता है, 2πr। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझना होगा, जीवन भर आपको इस तरीके के सवालों में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार बहुत ध्यान से समझिए, मेरे साथ समझिए। और क्षेत्रफल क्या बनता है भाई, क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसी में अर्धवृत्त की बात कर लेता हूं तो अर्धवृत्त किस तरीके से बनता है, अर्धवृत्त कुछ ऐसा बनता है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर पूरा वृत्त था तो उसका क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, और अब अगर अर्धवृत्त की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि उसका आधा, क्योंकि वृत्त आधा हुआ तो क्षेत्रफल भी आधा हो गया। लेकिन अगर मैं परिमाप की बात करता हूं अर्धवृत्त के, तो इसको समझना बेहद जरूरी होता है, आप समझिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो इसका परिमाप होता है 36/7 × r। क्या होता है, 36/7 × r कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं, केवल आप इतना याद रखिएगा 36/7 × r कैसे, आप ध्यान से देखना। जैसे आपने देखा कि पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि ये हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा जिसमें हम लोग बाउंड्री को कवर करते हैं, ये वाला हिस्सा जो होगा अर्धवृत्त का, ये क्या बनेगा, 2πr का आधा यानी कि πr। यस और नो, बोले यस सर। और उसके बाद अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या यानी कि 2r। और तो आप देखिए अगर आप यहां से r कॉमन कर लेंगे तो पाई का मान 22/7 + 2, अब 7 × 14 = 36 × r। आप सिर्फ इतना समझो, और देखिए इनसे सवालों को करा कैसे जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, ये मैंने आपको अभी केवल फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। वृत्त में आपको चीज जो याद रखने वाली है, वो याद रखने वाली ये है कि अगर आपके पास रेडियस 7 होती है, क्या होती है 7, तो याद रखिएगा कि इसका परिमाप बनता है 44 और क्षेत्रफल बनता है 154। कितना बनता है, 154। लेकिन जैसे ही त्रिज्या को डबल किया गया, त्रिज्या दोगुनी की गई, तो परिमाप दोगुना होगा यानी 88 होगा, लेकिन क्षेत्रफल की अगर बात करें ना बाबू, तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर त्रिज्या कितनी बार होती है, 2 बार होती है, स्क्वायर होता है, तो 4 गुना होने का मतलब 616। आपको समझना क्या है कि जैसे ही त्रिज्या दोगुनी हुई, परिमाप भी 2 गुना होगा, लेकिन भाई साहब जो क्षेत्रफल है ना, वृत्त की बात कर रहा हूं, ये क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। मेरी बात समझे भाई, इसी तरीके से अगर त्रिज्या आधी होती है तो परिमाप भी आधा होता है, परिमाप में उतना ही प्रभाव पड़ता है जो प्रभाव त्रिज्या पर पड़ता है, ठीक, परिधि पर। लेकिन अगर मैं बात करूंगा क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4 पुराने का 1/4 हो जाएगा। केवल आपको यह बात याद रखनी है, और खास तौर पर इस चीज को याद रखना है, इस बात को, कि अगर रेडियस 7 है, त्रिज्या 7 है, तो क्षेत्रफल 154 और परिमाप 44, ठीक। अब देखिए आप इससे सवालों को कितनी तेजी से कर पाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस पर आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये आया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि दोनों ज्ञात करें। आपने पढ़ा कि अगर त्रिज्या 7 होती है तो परिमाप कितना बनता है, 44 = 44, और क्षेत्रफल कितना बनता है भाई, 154। अब सवाल में देखिए आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 616। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 616 यानी कि 4 गुना हुआ है, क्षेत्रफल कितने गुना हुआ, 4 गुना। तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो परिधि कितने गुना होगी, सिर्फ 2 गुना, इसका हाफ, इसका स्क्वायर रूट। क्षेत्रफल 4 गुना तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो परिधि कितनी होगी, 2 गुना यानी 88 होगी। और सेम काम त्रिज्या के साथ भी होगा, त्रिज्या भी कितने गुना होगी, 2 गुना यानी कि त्रिज्या होगी 14। अब यहां से आपसे पूछा था कि त्रिज्या कितनी होगी, आप कहोगे 14, और परिधि कितनी होगी, तो आप कहोगे 88। सवाल खत्म हो गया, आपको सिर्फ क्या याद रखना था, ऊपर वाली लाइन 7, 44, 144, 154, बस ये याद रखिए आप, 7, 44 और 154। तो ये गुजली कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, परिधि ज्ञात करनी है, फिर से आप वही चीज का याद रखिए कि 7, 44, 154
ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है वृत्त के लिए, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है, उसका परिमाप 44 है, तो क्षेत्रफल 154 होगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या कह रहा है, 24 64, कितने गुना है 24 64। अगर मैं ये देखूं कि इसका कितने गुना है, तो 16 × 15 कितना होता है 240, 240 से बड़ा है, यानी कि ये आप देखिए कि ये 16 गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है 16 गुना, 154 में 16 का गुणा करोगे 24 64, तो 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो 4 आएगा। इसका मतलब हमारी जो परिधि होगी वो 4 गुना होगी। हमसे पूछा गया था परिधि, पूछा था 4 × 16 = 6, 1 × 4 = 16 और 1 = 17, यानी कि जिस वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है उसकी परिधि कितने होगी 176 सेंटीमीटर, या मीटर जो भी यूनिट दी है आप उसको देखेंगे तो 176 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। आपके पास ऐसा कोई भी सवाल आएगा वृत्त से संबंधित, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या याद रखना है, फिर से बोले दे रहा हूं 7 44 154। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको परिमाप क्या बताया, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 36/7 × r, यही तो होता है। अब देखिए यहां पर व्यास कितना है 35 मीटर, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी 35 का आधा, तो 36/7 और 35 का आधा यानी कि 35/2, क्या मेरी ये बात समझ में आई, बोले यस सर। घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो भाई ऐसे आप समझ लो कि अगर ये अर्धवृत्त है और उसको घेरने के लिए तार की आवश्यकता होगी, तो तार पूरे इस एरिया में लगेगा, इस पार्ट में लगेगा ना, और ये उसका क्या होता है परिमाप अर्धवृत्त का, परिमाप क्या होता है 36/7 × r, r कितनी आ गई भाई 35/2, देखिए 7 से काटिए 5 बार और 2 से काटिए 18 बार, 18 × 5 = 90, यानी कि 90 मीटर तार की आवश्यकता होगी, कितने मीटर तार की 90 मीटर तार की उसको आवश्यकता होगी। सवाल खत्म हो गया, सेकंडो में सवाल के आंसर आएंगे, एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए उस चाप की लंबाई, अब केंद्र पर कोण अंतरित होता है, इसके कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर कोई वृत्त बना है तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाला पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। मान लीजिए आपको बोल दिया कि 60 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है, तो इसका मतलब ये जो त्रिज खंड अपने पास आ रहा है, ये जो एरिया आएगा इसका, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा होगा। बोले सर अगर इसने एंगल 360 में से 60 कैरी किया है, 360 में से 60, तो इसका मतलब 60/360 आप समझेंगे तो ये आ जाएगा 1/6, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो भाग इधर है ना, जो ये अपना त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे के क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा होगा। अगर 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, तो भी सेम प्रोसेस ये करना है आपको, केवल ये हिस्सा निकाल लेना है, भाग निकाल लेना है और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का उतना भाग कर देना। मेरी बात समझ पाए ना, होप सो, बिल्कुल सही। चलिए देखिए अब इस सवाल पर आ जाते हैं, जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है 21। आप समझना, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करिए 7 44 154, 7 44 154। अब त्रिज्या कितनी बात कर रहा है, बोले सर 21। आप देखिए अगर त्रिज्या 3 गुना हो रही है तो परिधि 3 गुना होगी, लेकिन क्षेत्रफल कितने गुना होगा भाई साहब, क्षेत्रफल होगा 9 गुना इसका वर्ग हो जाएगा, 9 × 36 = 6 हासिल लगेगा 3, 9 × 45 और 3 × 48 = 8 हासिल लगेगा 4 और 9 × 9 = 9, 4 = 13, यानी क्षेत्रफल कितना बनेगा 1386। अब कितने डिग्री का कोण बन रहा था केंद्र पर, बोले सर 60 डिग्री का, 60 डिग्री अगर 360 में देखा जाए कितना हिस्सा लेती है, तो आप कहोगे सर 1/6 हिस्सा लेती है, यानी कि आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 1386 का 1/6 हिस्सा फाइंड आउट कर लेना है। 6 × 2 = 12, 1 = 18, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, यानी कि कितना वो बनेगा उसकी क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो लंबाई ज्ञात करनी है, अगर चाप की लंबाई, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता तो इतना होता, लेकिन अगर मुझे लंबाई ज्ञात करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस चाप की लंबाई। देखिए अब चाप की लंबाई कैसे निकलेगी, आप देख पा रहे हो कि अगर ये 9 गुना हुआ है तो ये कितने गुना रहेगा 3 गुना, 3 गुना रहने का मतलब 3 × 12 दो हासिल है, 3 × 12 और 1 = 13, 132, यानी 132 का 1/6 हिस्सा करेंगे तो 6 × 12, 6 × 12, यानी अगर उसके परिमाप की लंबाई की बात की जाए कि कितना लंबाई चाप का होगा, तो आप कहोगे सर 22 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दी है। सवाल खत्म हो गया, आप देख पा रहे हैं यहां पर पूछा गया था सिर्फ क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22, क्षेत्रफल पूछा जाता 231। कितना सिंपल तरीका है, इस तरीके को आप याद रखो, कोई भी सवाल होगा बनेगा ही बनेगा 100%, चाहे वो वृत्त पे हो चाहे वो अर्धवृत्त पे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपकी बार क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। जो वृत्त के केंद्र पर 70 डिग्री का कोण बनाता है और वृत्त की त्रिज्या 18। अब ध्यान से सुनिएगा, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 18, 7, 44, 154, याद रखिए। लेकिन अब की बार वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 18, तो अगर ये 18 हुई है तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से समझना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल। अगर आप देखो ऐसे, पहले आपको पूरा बता देता हूं, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है भाई 18 का स्क्वायर, और कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, बोले 70 डिग्री का, तो 70 बटे 36 बनेगा, बोले यस सर बनेगा। 70 बटे 360 होता है, तो 0 से 0 काट दीजिए, आपके पास 7 बटे 36, क्लियर है। 7 से 7 का काम खत्म हो गया। अब देखिए 18 दूनी 36 ही हो गया, 2 से काटिए 9 बार ये हो गया, 22 × 9 = 198 हो गया, 22 × 9 = 198 पक्का ना, 9 × 2 = 18 क्या होगा क्षेत्रफल, 198। अब अगर इसी को आप ऐसे लगाना चाहते हो तो भी लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे लगेगा उसको समझ लो। 7 बटे 36 आपको याद रखना है कि एंगल जो है ना, अगर वो 70 डिग्री का कोण बना रहा है 360 में से, तो 70 डिग्री जो है तो 360 का कौन सा हिस्सा होगा, 7 बटे 36 हिस्सा होगा, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्या कितनी बन जाएगी, 7 पर क्षेत्रफल कितना होता है 154, 18 पे कितना होगा, तो 7 बटे 18 नहीं, 18 बटे 7 कर देंगे, क्या कर देंगे 18 बटे 7, बस काम खत्म, 18 बटे 7 करेंगे, सॉल्व करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना मेरी बात, बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू, अच्छा हिंदी में, घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, बताइए वो कितने मैदान की घास चर सकता है। इसमें दो सवाल बन सकते हैं, कितने मैदान की घास चर सकता है, इसका मतलब क्षेत्रफल चाहिए, और आपसे यह भी पूछ सकता है वो कितनी परिधि पर घास चर सकता है, दोनों बातें पूछ सकता है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, 7, 44, 154, लेकिन अगर त्रिज्या 14 हो गई तो आप देख पा रहे हो कि त्रिज्या हुई है 2 गुनी, तो इसका मतलब परिमाप कितना होगा 2 गुना, तो वो 88 सेंटीमीटर या मीटर तक की परिधि पर घास चर सकता है। लेकिन अभी हमसे क्षेत्रफल पूछा, तो क्या अगर ये त्रिज्या 2 गुनी हुई है तो ये कितने गुना होगा, सर 4 गुना, तो 15 × 60 यानी कि वो 616 वर्ग सेंटीमीटर तक की घास को चर सकता है। सवाल खत्म हो गया, कितने मैदान की घास चर सकता है, तो आप कहोगे 616 मीटर स्क्वायर मैदान की घास को वो चर सकता है, कितना 616 गुना कर लो, 4 × 16 = 6, 4 × 15 = 60 और 61, बोलिए ठीक है क्या। सेकेंडों में सवाल होंगे, केवल आपको पहला जो कॉन्सेप्ट बताया गुजली कॉन्सेप्ट उसको आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आया आ गया, देखिए साइकिल के एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 400 चक्कर पूरे करने में, 400 पूरे चक्कर लगाने पर वो कितनी दूरी तय करेगा, आपको याद रखना है कि ये सेंटीमीटर है। ऑप्शन पर एक नजर रखनी होगी कि ऑप्शन मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर पे, किस पे, जिस पे भी है उस पर आप कर सकते हो, कैसे मैं बताता हूं। देखो फिर से स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखो, 7 वाला बताइए क्या होता है, 7 का स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर त्रिज्या 7 है तो परिमाप 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, बोले हाँ सर। अब देखिए त्रिज्या कितनी हो गई, 42 हो गई, तो 42 का मतलब कितने गुना हुई है सर, 6 गुना हुई, कितने गुना हुई 6 गुना, तो इसका मतलब इसकी परिधि भी 6 गुना हो जाएगी, बोले हाँ सर। तो 6 × 24 = 4, 2 × 6 = 24 और 2 = 26, यानी कि अगर त्रिज्या 42 है तो परिधि होगी 264, क्लियर है इतनी बात, यानी कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या रखकर या मीटर की त्रिज्या रखकर सेंटीमीटर की कोई भी चीज एक चक्कर पूरा करने में 264 सेंटीमीटर चलेगी, परिधि मतलब एक चक्कर में चली हुई दूरी, तो एक चक्कर में 264 चलती है, आप बताइए आपको अगर 400 पूरे चक्कर करने हो तो कितना चलना पड़ेगा, बोले सर 2 जीरो ही आ जाएगा, 4 × 16 = 6, 4 × 16 = 6, 1 × 4 = 24, 1 × 25 = 5, 6 से लगेगा 2, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, इतने सेंटीमीटर की पूरी दूरी तय की जाएगी। लेकिन अगर इसी को मीटर में पूछ दिया जाता तो मीटर में 100 से भाग दे देते तो आप कहते सर 1056 मीटर की पूरी दूरी होगी, और अगर यही किलोमीटर में पूछ दिया जाता तो 1000 से डिवाइड और कर देते तो 1.056 किलोमीटर की दूरी तय की। तीनों ही बातें सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, क्लियर है, बोलिए। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट से किसी भी प्रकार का सवाल कैसे बन रहा है एकदम तड़ातड़, आप देख पा रहे हो ना, ठीक है, इसी को गुजली कॉन्सेप्ट कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको धीरे धीरे देता रहूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया, यह केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, अतिरिक्त नहीं होगा यहां पर होगा, अंतरित करता है, ठीक है, क्या करता है, अंतरित करता है मतलब बनाता है, सबटेंड करता है, ठीक है।
तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों बातें ज्ञात करनी है, लंबाई भी क्षेत्रफल भी। स्टैंडर्ड रिजल्ट 7, 44, 154। क्लियर है? अब देखिए त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। कितने गुना हुई त्रिज्या? बोले सर 3 गुना हुई है त्रिज्या। इसका मतलब परिधि कितने गुना होगी? सर परिधि भी 3 गुना होगी, 132 हो जाएगी। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। सर क्षेत्रफल कितने गुना होगा? 9 गुना, 3 का वर्ग। 9 चौको 36, 6 हासिल लगेगा 3, 9 अपना 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 9 कम 9 4 13, 1386। 120 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 120 डिग्री का कोण बनता है तो 120 डिग्री जो होगा वो 360 का कौन सा हिस्सा होगा? 1/3 होगा। बोले हाँ सर 1/3 होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 21 है तो उसका परिमाप 132 होगा और उसका क्षेत्रफल इतना होगा। लेकिन सर मुझे 120 डिग्री के कोण पर मुझे उसकी परिधि और क्षेत्रफल बनाना है। 120 डिग्री का मतलब 1/3, तो 132 का 1/3 करोगे तो यह आ जाएगा 44। यानी कि उसकी 120 डिग्री पर उसकी परिधि कितनी होगी? 44। और 1386 को भी हम 1/3 ही कर देंगे। 3 चौको 12, 1 3 छंग 18, 3 दूनी 6, यानी उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 462 और परिधि कितनी होगी? 44। बोलो क्लियर है क्या? कब? 120 डिग्री पर। क्लियर है मेरी बात? सेकेंड्स में सवाल हो रहे हैं, सेकेंड्स में। ठीक, इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि देखिए 44 से 3 गुना करके 132 आए, 1/3 करना है तो फिर से हम लोग 44 पे ही तो पहुंच जाते हैं। क्लियर? दूसरी बात, 154 में हम 9 का गुणा करके 1386 पर आए, फिर हमें 1/3 करना था, तो मैं डायरेक्ट यहां पर 1/3 करता तो मुझे सिर्फ इसमें 3 का गुणा करना होता, 462 आ जाता। क्लियर है? लेकिन फिलहाल आप पूरा सीखो, सही से सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है सिखाने में, लेकिन हाँ बस ये है कि आप एक बार सीखना चाहिए, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में बतेरे पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, मतलब इस कंडीशन में पूछे जाते हैं कि सवाल आता है तो ऐसा मिलता ही मिलता है। आपने देखा है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपने देखा है कि ये चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती। ठीक है, तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है और उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 121। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 121 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? सर 11। और अगर वर्ग की भुजा 11 होगी तो उसका परिमाप कितना होगा? 44। 11 चौको 44। इसमें आपको बताने जैसा कुछ नहीं है कि लिख के बताया जाए। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया गया, अब 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हो गई। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हुई। आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड रिजल्ट, अगर 44 सेंटीमीटर परिधि होती है तो त्रिज्या क्या बनती है? सर 7 बनती है। और सर क्षेत्रफल क्या बनता है? 154। आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था भाई उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहेंगे सर 154, क्या लिखना पड़ा इसमें? स्टैंडर्ड रिजल्ट को दिया गया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा क्या होता है कि ये सारी चीजें लिख के करनी पड़ती हैं, बहुत सारा इसमें आपको वो करना पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में और सही से पढ़ने में अंतर यह बनता है कि आप इन सवालों को देखते ही सॉल्व कर लोगे 2 से 5 सेकंड में, वाकई में। ठीक है, नेक्स्ट। किसी तार को वर्ग के रूप में फिर से मोड़ दिया गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए, किसी तार को फिर से किसके रूप में मोड़ दिया गया? वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना बना? सर 81। तो वर्ग की भुजा क्या बनेगी? सर 9। अगर वर्ग की भुजा 9 बनेगी तो इसका परिमाप क्या बनेगा? सर 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया, अब की बार किसके रूप में मोड़ा गया? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का परिमाप आपने पढ़ा है कितना होता है? सर 36/7 और गुणे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी बन जाएगी? बोलिए, उस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बात ध्यान से समझिएगा, परिमाप अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको चाहिए थी और परिमाप कितना आया था? सर 36 के बराबर आया था। तो 36 से 36 कटे आएगा, त्रिज्या क्या आ जाएगी उस अर्धवृत्त की? सर 7 आ जाएगी। बोलिए, त्रिज्या आ गई 7। उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। मैं आपको क्या बोल रहा हूं अब ध्यान से सुनना, जब त्रिज्या 7 होती है तो किसी वृत्त का परिधि कितनी बनती है? 44। और क्षेत्रफल कितना बनता है? 154। ये आपने पढ़ा है। मुझे परिधि से मतलब नहीं, मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल से। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154। अब हमारे पास क्या था? अर्धवृत्त। तो क्षेत्रफल को तो आधा करना होगा ना, तो 154 को आधा कर दीजिए तो आपके पास पता चल जाएगा उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आया? कितनी तेजी से सवाल हुआ है, मजेदार तरीके से, आनंद के साथ, हाँ या ना? तो होप सो कि आप इस कॉन्सेप्ट को पसंद करेंगे, प्यार देंगे। नाम क्या है इस कॉन्सेप्ट का? गुजली कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट के साथ, और भी क्लासेस के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा, जिससे कि आपके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी खासतौर पर जो हो रही है परफेक्टली और एकदम शानदार तरीके से हो जाए।
ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।